हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन आवर लाइव सेशन। सभी का स्वागत है फिर से हमारे लाइव क्लास में, मैथ्स का क्लास 10th का। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में पढ़ा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लिया पूरा, दो एक्सरसाइज जो आ रहा है सीबीएसई बोर्ड्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। ये न्यू वाले बुक के अनुसार है चैप्टर नंबर 11, ओल्ड बुक के अनुसार इसका जो चैप्टर है वो 12 है, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक के अनुसार सीबीएसई बोर्ड्स का पढ़ेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो चलिए इसका इंट्रो से शुरू करते हैं। पहले वैसे इसका न्यू वाले बुक में तो एक एक्सरसाइज इसका हटा दिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो ओल्ड में था वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ रहा है, दूसरा एक्सरसाइज सिर्फ आ रहा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे अगर आपको देखना हो तो इसके पहले मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है, जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं इसके पिछला क्लास वाला, उसमें इंट्रो भी दिया था। आज शुरू करेंगे जितना पढ़ना है बोर्ड्स के अनुसार वो, ऐसे पिछला वाला एक्सरसाइज ओल्ड बुक के अनुसार देख सकते हैं पहले का वीडियो। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है, पहले नाम पर ही आ जाते हैं। सर्कल, हम लोग सब जानते हैं सर्कल क्या होता है, ठीक है, वो पिछले क्लास में मैंने बताया भी था सर्कल क्या होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर एरियाज, किसका एरियाज, एरियाज लिखा है यानी बहुत सारा एरिया के बारे में पढ़ना है, लेकिन किससे रिलेटेड एरिया, सर्कल से रिलेटेड एरिया, एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, सर्कल का एरिया सिर्फ नहीं पढ़ देना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। क्या पढ़ना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ना है आज हम लोग को। आज हम लोग को पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड एरिया, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें सबसे पहला आ जाएगा एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हम लोग पढ़ेंगे एरिया सेक्टर का क्या होता है, सेगमेंट का क्या होता है, सर्कल का सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ये पिछले क्लास में ये भी मैंने बताया था, ठीक है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर एक ऐसा एरिया होता है सर्कल का, एक ऐसा रीजन यानी ऐसा क्षेत्र होता है जो कि आर्क, ठीक है, रेडियस और कोरेस्पोंडिंग आर्क से मिलकर के बनता है, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे देख लेंगे सेक्टर और सर्कल क्या होता है। तो सेक्टर का यहाँ पे देखेंगे कहीं लिखा हुआ होगा, हाँ, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन By two radii and the corresponding arc is called a sector of the circle, है ना, एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है। द पोर्सन, ऐसा पोर्सन या ऐसा पार्ट किसी सर्कुलर क्षेत्र का, किसी भी सर्किल रीजन है, जैसे ये एक सर्कुलर रीजन है ना, ये एक सर्कुलर रीजन है, तो इस सर्कुलर रीजन का, इस वृत्ताकार क्षेत्र का कोई ऐसा पोर्सन या ऐसा पार्ट, जैसे ये एक पोर्सन हो गया, ये क्या है, पोर्शन हो गया, ठीक है। तो यही ना बोला था, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, जो कि दो रेडियाई से मिलके बनता है, एक रेडियस ये रहा, दूसरा रेडियस ये रहा, दो रेडियाई से मिलके बनेगा। एंड द कोरेस्पोंडिंग आर्क, और कोरेस्पोंडिंग आर्क, कोरेस्पोंडिंग आर्क कहने का मतलब ये, अगर इस, ये तो हमारा दो हो गया रेडियस, तो एक आर्क ये होगा और दूसरा आर्क ये वाला होगा, होगा ना, दो आर्क, दो तरह का आर्क है, येलो चलेगा, हाँ, तो एक नीचे वाला हो गया और एक ऊपर वाला आर्क हो गया, ये भी एक आर्क ही है, ठीक है। तो इतना तरह का आर्क हो गया हमारा, दो आर्क। तो अगर हम लोग ये वाला आर्क लेंगे तो ये कौन सा बड़ा आर्क होगा ना, ये बड़ा आर्क है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर, इतना पार्ट को, इतना पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर, यहाँ लिखा हुआ भी है मेजर सेक्टर,
ठीक है। और जब हम लोग रेडियस दोनों और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्क अगर ये लेते हैं, ये छोटा वाला आर्क, तो ये वाला एरिया बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेक्टर। ठीक है, ये पोर्शन माइनर सेक्टर, ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर। दो तरह का सेक्टर होगा, टू टाइप्स ऑफ सेक्टर, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। पहले सेक्टर क्या होता है, तो एक ऐसा पोर्शन या पार्ट किसी भी सर्कुलर रीजन का जिसमें दो रेडियस होगा और उसके कोरेस्पॉन्डिंग आर्क जो भी रहेगा उससे रिलेटेड बनेगा। ठीक है, तो सेक्टर का ये डिफिनेशन हो गया, लिख लेंगे बुक से ही, चाहे यहाँ से भी उतार लेंगे। द पोर्सन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाई टू रेडियाई एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेगमेंट जान लेंगे क्या होता है। सेगमेंट देख लेते हैं थोड़ा ऊपर। हाँ, देख लेंगे सेगमेंट क्या होता है। तो हम लोग देखे थे ऐसा पोर्शन सर्कुलर रीजन का जो जिसमें दो रेडियस होगा और कोरेस्पॉन्डिंग आर्क होगा, उसको सेक्टर बोलते हैं। एंड द पोर्शन, ऐसा पोर्शन या पार्ट जिसमें सर्कुलर रीजन का जिसमें इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड कॉर्ड होगा एंड द कोरेस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर और सेगमेंट दोनों एक ही चीज लगभग मिला जुला के देखेंगे। द पोर्शन बस मतलब मिला जुला के, फिगर के अनुसार नहीं है, डिफिनेशन के अनुसार बस एक वर्ड का अंतर है। द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियस, यहाँ पे टू रेडियाई है, और यहाँ पे द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन अ कॉर्ड, यहाँ पे क्या है कॉर्ड है और यहाँ पे टू रेडियाई है, बाकी सेम है, यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग आर्क है, यहाँ भी कोरेस्पॉन्डिंग आर्क है। ठीक है, तो सेक्टर क्या था, सेक्टर था जो आर्क और दो गो रेडियस से मिलकर बनता था, उसको सेक्टर बोलते थे। सेगमेंट क्या होगा, तो जो आर्क और कॉर्ड से मिलके बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। यही ना था सेगमेंट का, कि ऐसा क्षेत्र सर्कुलर रीजन का जो कि एक कॉर्ड और उसका कोरेस्पॉन्डिंग आर्क से बनता है। ठीक है, तो जैसे ये दो था, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। बड़ा वाला आर्क लेते थे तो मेजर सेक्टर, छोटा आर्क लेते थे माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये आर्क छोटा है और ये वाला आर्क बड़ा है, तो कॉर्ड और मेजर आर्क से मिला के जो बनेगा उसको मेजर सेक्टर सेगमेंट बोलेंगे, कॉर्ड और माइनर आर्क से जो बनेगा उसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह इसमें दो हो गया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। बस इसमें तो यही दिया है, सीधी सी बात, और कुछ तो इधर दिया नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं सीधे फॉर्मूला पे, क्या इसका फॉर्मूला दिया है, और कुछ इसमें है नहीं, बस सेक्टर है क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क पता ही है, द पीस ऑफ सर्कल, एक सर्कल का जो पीस होता है उसी को आर्क बोलते हैं, एक टुकड़ा जो हो गया उसका बाउंड्री का उसी को आर्क बोलेंगे। अब इसमें बस फॉर्मूला का कमाल है, फॉर्मूला के हिसाब से सब कुछ बनाना है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई सेक्टर का हमको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो ये फॉर्मूला उसका होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला है, लिख लेंगे। किसी एंगल, कोई एंगल, जैसे ये सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बना ना ये पूरा, तो ये पूरा सेक्टर का जब हमको एरिया निकालना होगा तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा ना सेंटर पे, उसको ले लिए थीटा, उसको क्या ले लिए थीटा, तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री हमारा बन गया सेक्टर का। ठीक है, ये थीटा एंगल वो सब जैसे क्वाड्रेंट पढ़े थे ना, क्वाड्रेंट का फॉर्म, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता था 1/4, क्योंकि उसका एक चौथाई पार्ट होता था, ये 1/4 यहीं से आया है, क्योंकि 1/4 जब इसका करते हैं किसी सर्कल का तो वो क्या होता है, यहाँ 90 डिग्री पे बढ़ता है ना,
तो देखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा पे, पाई आर स्क्वायर और थीटा बाई 360 है ना फॉर्मूला में, तो थीटा की जगह 90 रख देते हैं बाई 360। ये कितना बार में कटता है, तो 1/4 बार में कटता है, यहीं से आया है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का ये फार्मूला तो सेक्टर वाले से ही आया है, वही चीज़ सेक्टर वो भी होता है। ठीक है, लेकिन वो स्पेशल केस हो गया सेक्टर का, इसलिए उसके लिए अलग से पहले लिख देता है, क्वाड्रेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सारे का एरिया निकालेंगे हम लोग, सेक्टर का एरिया इस फार्मूला से निकालेंगे, ये भी वही चीज़ है, बस इसको हम मिला के लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा फार्मूला देख लेते हैं इसका। दूसरा फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ अगर निकालना है। ठीक है, आर्क का अगर लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क का लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, उसका फॉर्मूला है ये, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। ये आर्क का, आर्क मतलब वही, जैसे ये सर्कल है तो ये इतना टुकड़ा पीस, तो इसका लेंथ क्या होगा, जैसे इसका हम लोग पूरा निकालते हैं सर्कल का, तो सर्कमफेरेंस कहलाता है ना। हम तुमसे पूछ दिए कि ये, आपसे पूछ दिया जाएगा कितना का लेंथ बताइए, इतना दूर का क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो लेंथ ऑफ आर्क उतना दूर का लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ आर्क हो गया ये, अब देखेंगे एक एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए यहाँ दिया हुआ है। सेगमेंट बताए थे क्या होता है, जैसे एक बार और बताते हैं, ये सर्कल है तो हम लोग क्या क्या अभी सीखे फार्मूला, कि ये सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, इस आर्क का लेंथ अगर पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ अब हम लगा दिए कॉर्ड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सेगमेंट, ये हमारा क्या बन गया, सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है अब हमको, बस इतना दूर का एरिया, तो इतना दूर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो या तो सेक्टर, ये पूरा जो सेक्टर है इसका एरिया में से ये ट्रेंगल का एरिया अगर घटा दिया जाए तो ये बचेगा ना, बड़ा सा बनाते हैं थोड़ा गंदा सा सर्किल है ये, जैसे ये सर्कल है, ये सेक्टर है उसका, तो देखेंगे ये पूरा सेक्टर का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर ये पूरा एरिया हम निकाल दें, और इसमें से पूरे एरिया में से सिर्फ ट्रायंगल का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया, ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल वाला, इसको हटा दिया जाए, तो ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, नॉर्मल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है APB का, तो उसमें क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या किया, घटा दिया। देखेंगे यहाँ पे था एरिया ऑफ ट्रायंगल, APB निकालना है सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया गया है, बस यही किया गया है। ठीक है, ऐसे कभी कभी होता है कि ट्रायंगल का एरिया नहीं निकल पाएगा, जैसे आपको दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब तो फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, जैसे ये 6 दे दिया, जैसे ये वाला 6 दे दिया है साइड रेडियस, तो ये भी 6 हो जाएगा, और बोल दे कि ये भी 6 है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिएगा रूट फॉर्मूला से। ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये 90 डिग्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो रेडियस जितना होगा जो बेस होगा वही परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री ला दे देगा, तब तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दे कुछ उटपटांग सा कि 50 डिग्री है, ये अलग 70 है, वो अलग है 60 है, स्केलन ट्रायंगल दे दे, तब एरिया क्या कैसे निकालेंगे उसका, और हमको तीनों साइड भी नहीं पता है, तीनों साइड पता रहेगा तब तो हेरोंस फार्मूला से भी निकल जाएगा, लेकिन तीनों साइड भी नहीं पता है, तीनों साइड भी नहीं पता है, तब क्या करेंगे, तब के लिए देखेंगे एरिया ऑफ, एक फॉर्मूला आता है
एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ से, पाई आर स्क्वायर थीटा, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू जो रहेगा वो पुट कर देना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग। चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दे दिया है। लिख लिए, ये सब हो गया, अब यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो गया, यानी जो था कॉन्सेप्ट इसमें यही था। तो डायरेक्ट आते हैं अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर एक, बहुत आसान होगा। एक्सरसाइज 11.1 शुरू करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर वन, ये 11.1 जो है ये न्यू वाले एनसीईआरटी के हिसाब से 11.1 है, ठीक है। ओल्ड वाले जो भी बुक होंगे उसमें आप अपने बुक में देखेंगे 12.2 है ये, ठीक है। कौन सा है? 12.2, ये दूसरा एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, साफ लिख दिया है, एकदम क्लियर लैंग्वेज में, एकदम साफ सुथरा लैंग्वेज में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, रेडियस 6 एंगल 60 डिग्री, वैसे वाले सेक्टर का एरिया बताइए क्या होगा। जैसे इसमें क्या बोला कि एक सर्कल है उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, ये मान लिया जाए सेक्टर है, उसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है और उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सभी लोग निकाल लेंगे। चलिए एक बार निकाल के देख लेते हैं, गंदा चला। एक सर्कल है, ठीक है, उसका मिडिल पॉइंट और ये उसका है रेडियस, ये भी है उसका रेडियस, ये है सेंटर ओ, ठीक है, ये दोनों है रेडियस। रेडियस बोला था 6 सेंटीमीटर ना जी, ये सेक्टर हो गया और सेक्टर का बीच का एंगल कितना बोला था 60 डिग्री, यानी थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और बनाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 6 × 6, थीटा 60 डिग्री बाय 360, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से एक बार में और ये 6 बार में, 6 से 6 कैंसिल, और कुछ होगा 22 × 6 = 132, 132/7 कितना आएगा थीटा, अगर पाई का वैल्यू कुछ लेने नहीं बोला होगा तो इतना ही आएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, कितना सिंपल है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन जी, आंसर देख लेंगे आप लोग बुक में, अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे इसको आंसर को।
सिंपल सा बात है, या तो इतना आंसर होगा नहीं तो डेसिमल में होगा। 7 × 7 = 7, 6 × 62, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, 7 × 5 = 35, इतना शायद होगा या फिर इतना, यही दोनों में से कोई होगा आंसर, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी करेंगे, जो होने वाला है जल्दी उसको जल्दी करेंगे, जिसमें टाइम देना है उसमें टाइम देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, देखिए क्या बोला है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, और सरकमफेरेंस उसका दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये तो हो गया क्वेश्चन कि हमको करना क्या है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22। एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस कितना है, 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हाथ से ही बना देते हैं। एक सर्कल है और इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ था, ठीक है, सरकमफेरेंस कितना है, ट्वेंटी टू सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ये सेंटर, सॉरी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ना, तो क्वाड्रेंट 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है, इसका एरिया निकालना है, इस पार्ट का क्या होगा एरिया, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, चलिए बताइए, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस ऑफ एरिया सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला बताएंगे। हाँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2πr = 22, ये दिया हुआ है, यही चीज़ दिया हुआ है ना, सरकमफेरेंस दिया हुआ है सर्कल का 22 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr से रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 1/4πr² लगाइए, या फिर सेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाइए, πr² θ/360, दोनों से आंसर उतना ही आना है, क्योंकि थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, क्वाड्रेंट है इसलिए 90 होगा, अब 90 से ये 1/4 बार में ही कटेगा, तो रेडियस जब तक पता ही चलेगा, इसमें सब कुछ का वैल्यू तो पता है, थीटा का पता ही है, बस रेडियस ना चाहिए निकालने के लिए, तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगा ना साइड चेंज करके, तो रेडियस निकाल लीजिए, 2 × π का वैल्यू 22/7 × radius = 22, 22 से 22 कट गया, तो रेडियस आ जाएगा 7, ऊपर चल जाएगा नीचे से, और 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चल जाएगा, यानी रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 से ही निकाल लेते हैं, πr², तो 1/4 × 22/7, रेडियस है 7/2, तो 2 बार, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, 11 7 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया, 77/8। चलिए डेसिमल में होगा तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, अगर आंसर देख लीजिए बुक में, अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ये सही है, ये भी सही है, इतना भी छोड़ दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक है, एक घड़ी है, और उसके मिनट हैंड का जो लेंथ है, यानी जो मिनट वाली सुई होती है
उसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। घड़ी का जो सुई होता है मिनट वाला, उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो मान लिया जाए ऐसा कि मिनट वाला लगभग वो पूरे सर्किल के ही बराबर होता है, ऐसा मान लेना है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में देखिए इसका फिगर एक बनाते हैं पहले, यहाँ पे इसमें बोला है कि एक घड़ी है, मान लिया जाए ये हमारा घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे है हमारा मिनट हैंड फिलहाल, ठीक है। तो लगभग मान लें कि वो सर्किल तक है, ठीक है। बोला है कि मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये मिनट हैंड रेडियस का काम करेगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? रेडियस का। तो ये 14 सेंटीमीटर है। बोला है इस मिनट हैंड के द्वारा मिनट हैंड जो है 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर देगा, यानी कितना एरिया कवर कर लेगा। जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ 1 है, तो मिनट हैंड का 5 मिनट कब हो जाता है? जब वो 12 से 1 पे चल जाता है, तभी ना होता है। 12 से 1 पे चल जाता है तब 5 मिनट होता है ना मिनट हैंड का। मिनट हैंड 5 मिनट कब? जब मान लिया जाए 3 बजा है किसी घड़ी में, तो 3 5 कब होगा? जब 3 बजा है, यानी मिनट हैंड 12 पे है। और 3 5 कब हो जाएगा? जब वही मिनट हैंड 12 से मिनट की सुई 1 पे चल जाएगी। तो बोला है कि 5 मिनट में ये कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो रेडियस मिनट हैंड का लेंथ को मान लेंगे 14, और ये सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को निकालना है। अब थीटा हम लोग को पता करना है कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ज़रा ये बताएंगे कि 5 मिनट में एक घड़ी का सुई कितना डिग्री घूम जाएगा, 5 मिनट में एक मिनट वाला जो सुई है वो कितना डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। तो चलिए वो निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। रेडियस हम लोग को मिल गया 14, थीटा हम लोग को पहले फाइंड करना होगा, तब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो थीटा पहले फाइंड करते हैं। तो देखेंगे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। अब ये तो बता सकते हैं कि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बना लेगा। तो जैसे ये मिनट हैंड है, 60 मिनट कब होगा? ये पूरी तरह से जब घूम जाता है, 1 घंटा हो जाता है, तब ना 60 मिनट होता है। तो मिनट हैंड जब पूरी तरह से, जैसे 60 मिनट मान लिया जाए 3 बजा है, तो 4 कब बजे? जब पूरे 60 मिनट हो जाएगा। तो जैसे 3 यहाँ पर बजाए, तो ये मिनट हैंड पूरी तरह से घूम लेता है, तब ना 4 बजता है। तो मिनट हैंड जो एंगल बनाएगा 60 मिनट में, वो कितना बना लेगा? ये पूरा, यानी 360 डिग्री घूम जाएगा वो, तब होगा एक कंप्लीट कर लेगा। तो 360 डिग्री वो बनाएगा 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना बनाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज 360 डिग्री। तो एंगल 5 मिनट का हमको पता करना है, तो पहले यहाँ से हम लोग 1 मिनट का निकाल लेते हैं। डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 360 बाई, यहाँ 60 मिनट का था ना, तो 1 मिनट का 360 बाई 60, ठीक है। काट दें, 0 से 0 6 से कट जाएगा, 6 बार में, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। मिनट हैंड का 1 मिनट कितना डिग्री के बराबर है? 6 डिग्री के बराबर। तो हम लोग को वो कितना मिनट घुमा है? 5 मिनट तक घुमा है ना, 5 मिनट का एरिया निकालना है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, पता चल गया। चलिए, तो डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स।
तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री थीटा हो गया, थीटा पता चल गया हम लोग को कितना हो गया, 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा था, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, वो जो स्टेटमेंट लिखा था क्वेश्चन में वो लिखेंगे। क्या निकालने बोला था, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, एरिया स्वेप्ट बाय, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर, वो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना, बोर्ड्स में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो बताते हैं कैसे। पहले यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकाल लेंगे तो ठीक है, निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, एक कौन गाड़ी वाला इतना ज़ोर से हॉर्न मार रहा है, चलिए तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस था हमारा 14, तो 14 का स्क्वायर 14 × 14, थीटा निकाल लिया हम लोग 30 डिग्री, और बाई 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 बार में कट गया, 7 से 2 बार में कट गया, 2 से 6 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 7 बार में कट गया, अब नहीं कटेगा, तो 22 × 7 = 154, नीचे 3, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वो कवर कर लेगा। आंसर देख चेक कर लेंगे एक बार, अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल में लिख देंगे इसको, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3 point, 3 × 3 = 9, 1 = 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, जो बोले थे बोर्ड्स में लिखना है, एक लाइन ऐसे लिख देंगे, सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन, जो क्वेश्चन में पूछा था वही लिख देंगे स्टेटमेंट, और क्या, 5 मिनट्स इज 51.33 cm² हो गया, बस, ठीक है। लिखेंगे जल्दी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखते हैं 4 में क्या बोला है। 4 में बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल है,
और ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है, ठीक है। हाँ आगे देखेंगे। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, जो कि क्या कर रहा है, एक कॉर्ड है किसका, एक सर्कल जिसका 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है, उसका कॉर्ड जो है सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल। यही ना बोला है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है और उसका कॉर्ड जो है वो क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, ठीक है। एक समझेंगे इसको फिगर से थोड़ा। ये मान लिया जाए सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये उस सर्किल का कॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है कॉर्ड, और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, इस सर्किल का 10 सेंटीमीटर है, और ये जो कॉर्ड है तो ये कॉर्ड जो है अपना दोनों छोर से यहीं से ना बनाएगा, ये कॉर्ड ऐसे थोड़े बना देगा, ठीक है। तो कॉर्ड जो है वो क्या कर रहा है, सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, ये कॉर्ड क्या कर रहा है सेंटर पे 90 डिग्री राइट एंगल बना रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट यही होगा ना, तो इसका एरिया निकालना है, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर सेक्टर कौन सा होगा, तो मेजर सेक्टर हमारा हो जाएगा, देखेंगे, ये हो गया मेजर आर्क, यहाँ तक ये हो गया रेडियस, तो मेजर सेक्टर हमारा हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी कि हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। एक सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसका कॉर्ड जो है वो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, तो इसका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का, ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट इसका एरिया निकालना है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसका कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे ये है सर्कल, ओहो गंदा सर्कल, बड़ा ये भी गंदा सर्कल, शेप से बना लेते हैं सर्कल, ये ठीक सर्कल। चलिए ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस है इसका 10 बोला था, तो 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, 90 डिग्री सेंटर पे बना रहा है, कौन इसका कॉर्ड, ये रहा इसका कॉर्ड, ठीक है। हम लोग को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ये वाला, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो पहले ये निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, रंगीन करते हैं इसको थोड़ा, ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलिए रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, थीटा भी दे दिया है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला था निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, यस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin थीटा। चलिए देखेंगे इसमें पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 10 × 10, थीटा कितना है 90 डिग्री बना रहा है, बाई 360 डिग्री, इसमें घटाएंगे 1/2, रेडियस कितना है 10 स्क्वायर है, तो 10 × 10 sin थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, कट जाएगा ना, 4 बार में, और कुछ कट रहा है इसमें, हाँ कट रहा है 2 बार में, 11 बार में, 2 से 5 बार में, इधर भी कट रहा है क्या 2 से 5 बार में, तो कितना हो गया 11 5 जब 55, 55 × 10 550, 550 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 5 जा 50, साइन 90 का वैल्यू बताएंगे, सब पढ़े हैं
ट्रिगो में वन, तो 500 मीटर था, सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, हम तो यहाँ ऐसे ही देख के लिख दिए थे, देख लेते हैं। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 था, 3.14 लेने बोला था, गड़बड़ हो गया, 3.14 लेना था, पाई का वैल्यू 3.14 लेना था। इसको अब काटेंगे नहीं, इंटू 10 अब नहीं काटेंगे इसको फिलहाल के लिए, तो ये 4 बार में कटा बस, क्यों नहीं काटेंगे कहता है, इसका डेसिमल ख़त्म कर देते हैं, 314 नीचे 4 आ गया, डेसिमल ख़त्म कर दिए इसका, इधर से आ जाएगा 50, इधर से ठीक है 50 × 1 ठीक है। चलिए तो ये हो गया 314 माइनस 200 बाय 4, तो आ गया 114 बाय 4, डेसिमल में तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिएगा, डेसिमल नहीं है तो। चलिए आगे देखते हैं, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है, अगर डेसिमल में होगा तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आगे आंसर चेक कर लेंगे एक बार। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में बोला था हम लोगों को निकालना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, 3.14, बार बार पाई में गड़बड़ हो जाता है, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 थीटा है कितना 90 बाय 360, कट गया 4 बार में, तो ये हो गया 314 बाय 4, सॉरी 90 तो था, हाँ देखेंगे यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 270 डिग्री ठीक है, क्योंकि मेजर सेगमेंट जो है हमारा इधर वाला, सेक्टर जो है इधर वाला है, तो ये थीटा लगेगा ना, सेक्टर जब इधर वाला मेजर वाला ले रहे हैं तो थीटा भी बड़ा वाला लगेगा, क्योंकि ये 90 तो है इस सेक्टर के लिए, इतना दूर के लिए हम लोगों को निकालना है उधर वाला, तो टोटल 360 में से 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 270, काट देते हैं 0 से 0, 9 से 3 बार में, 9 से 4 बार में ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3.314 × 3/4, तो 942 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी चेक कर लेंगे, डेसिमल में दिया है क्या, देख लेते हैं हम ही देख लेते हैं, रुक जाओ, हाँ डेसिमल में दिया है, फर्स्ट का है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 आ जाएगा क्या, 4 × 2 = 8, 3 × 34 = 4 = 8 = 32, हाँ आ गया, इसका भी डेसिमल में ही था, चार दुनिया 8, 1 × 14, 4 × 3 = 12, 2 = 22, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 ठीक है, लिख लेंगे, चार दुनिया 8, 1 = 14,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका कि रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है आर्क से, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, पहले तो लेंथ निकालना है आर्क का, फिर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जो आर्क के द्वारा फॉर्म हुआ है, और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से, जो उससे रिलेटेड ही कॉर्ड होगा एक। तो सबसे पहले हम लोग सर्किल बनाएंगे एक जिसका रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सर्किल बना दिए जिसका कि रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला था इसमें, सेकंड चीज बोला था इसमें 21 सेंटीमीटर रेडियस है और उसका जो आर्क है, एक आर्क है जो 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, एक आर्क क्या बना रहा है 60 डिग्री सेंटर पे बना रहा है। तो सेंटर पे 60 डिग्री लगभग इतना होगा, ठीक है, तो इसका जो आर्क कब होगा वो यही होगा ना, यही आर्क ना बनाएगा, यही इतना दूर का ही आर्क ना बनाएगा ऐसे करके 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो थीटा दे दिया 60 डिग्री, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सॉरी सबसे पहले हम लोग को बोला था लेंथ ऑफ आर्क निकालना है ना। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। तो हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताए थे अभी, लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, यस 2πr θ/360 डिग्री। तो 2π का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 21, थीटा कितना है 60 डिग्री बन रहा था ना, बाय 360 हो गया, कट गया 6 बार में, 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया 1 बार में, ठीक है। तो सिर्फ बचा 22, यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है ना, एरिया नहीं है, सेंटीमीटर, यानी इस आर्क का लेंथ होगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था निकालने, तो सेकेंड में बोला था एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, तो इस आर्क से ये सेक्टर बन रहा है ना, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 21 स्क्वायर, तो 2 बार थीटा 60 बन रहा था भाई 360, कट जाएगा 6 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, और 2 से 11 बार में, ठीक है। तो बच गया 21 और 11, 21 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 231, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दो क्वेश्चन हो गया इसका, लिख लेंगे, थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे फिर इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड में क्या निकालने बोला था, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है थर्ड में,
कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी उसी से रिलेटेड जिसका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड एक कॉर्ड होगा, इससे रिलेटेड ये कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जुड़ता हुआ जो एरिया ऑफ सेगमेंट है वो भी निकालना है थर्ड में। तो थर्ड का निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो चलिए थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बताते जाएंगे पाई का वैल्यू सबको पता है, रेडियस कितना था 21, थीटा कितना था 60 डिग्री, 1/2 रेडियस कितना था 21, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू जल्दी से सोच के रखेंगे, देखेंगे 21 कॉमन है दोनों के लिए, उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छा पहले काट लेते हैं, 1, 6, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, और कुछ बचा नहीं। तो 21 × 11 कितना था 231 माइनस 1/2 × 441 इसको और इसको, इसका स्क्वायर होगा साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। तो कितना आ गया 231 माइनस 441 √3/4, इसका शायद आंसर इतना ही दिया है जहाँ तक हमको याद है। एरिया ऑफ सेगमेंट का ये आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसके ऐसे इसका आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, 5 का थर्ड 231 माइनस 441 √3/4, हाँ ठीक है यही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल क्वेश्चन कितना है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 क्वेश्चंस हैं, अभी तो हम लोग 6 में ही हैं। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में बोला है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। 6 में बोला है क्या, एक कॉर्ड है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एक 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता चल गया कि 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है और उसका कॉर्ड जो है 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, वैसे ही जैसे इसके पहले देखे थे। तो 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है और उसका कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। तो फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, इसमें माइनर और मेजर दोनों सेगमेंट निकालना है, ठीक है। माइनर सेगमेंट भी निकालना है, मेजर सेगमेंट भी निकालना है, और पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, √3 का वैल्यू भी, यानी √3 इसमें आएगा तभी दिया है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर रेडियस वाला सेगमेंट का निकालना है ना, हाँ। पंद्रह सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल है और इसका जो कॉर्ड है वो सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, रेडियस है 15 और थीटा है 60 डिग्री। तो इसमें हम लोग को पहले तो ये निकाल लेते हैं माइनर सेगमेंट का क्या होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट -1/2
माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है फॉर्मूला, अभी बताए थे सेगमेंट का निकालने का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखो सब फॉर्मूला पे बेस्ड ही है ये, है ना, 1/2 r² साइन थीटा। तो पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस है 15 × 15, थीटा है 60/360, माइनस 1/2 रेडियस वही 15 × 15, और साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू अभी लिखे थे हम लोग। कटेगा क्या कुछ, ये कटेगा तो ज़रूर, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 2 × 11, तो इधर आ गया 11 × 15 = 75/7, और इधर आ गया 1/2। अच्छा थोड़ा नीचे लिखना होगा, 11 × 75/7 माइनस 1/2 225, sin 60 का वैल्यू √3/2। देखो √3 भी आ गया ना, और वैसे पाई का तो वैल्यू 3.14 लेना था, मतलब ये नहीं कटेगा, बस यहीं तक कटेगा 3 × 2 = 16, या फिर काट देते हैं 1.57, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले 5 से कर देते हैं, 7 × 5 = 35 का 5 बचा 3, 5 × 5 = 25 और 3 × 28 बचा 2, 5 × 5 = 7 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। इधर तो यही ठीक था, यही रहेगा, इधर कुछ नहीं कटेगा। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 5 = 75 बचा 7, 15 × 8 = 120 और 7 127 बचा 12, 15 × 7 = 105 और 12 = 117, ठीक है ना। माइनस √3 का वैल्यू कितना लेने बोला था, 1.73, देख लेते हैं, हाँ 1.73 दो डिजिट तक, तो 225 × 1.73/4 कितना आ जाएगा, 117.75 माइनस, मल्टीप्लाई करना होगा ना, या फिर पहले डिवाइडिंग कर देते हैं, 4 × 5 = 20, 2 × 25 = 25, 4 × 6 = 24, 10, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 × 1.73, 56.25 और 1.73, 5 × 3 = 15, 3 × 6 = 7, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15 = 16, 7 × 5 = 35, 7 × 14 = 3 = 17, 7 × 6 = 42 और 1 = 43, 4 × 5 = 35 और 4 = 39, 5 × 2 = 6, 5, 5 × 7 = 12 = 2 बचेगा 1, 8 × 16 = 5 = 21 बचा 2, 6 × 3 = 9 = 2 = 11 और 2 × 13 बचेगा 1, 9 × 15 = 16 = 17, 5 × 3 = 8, 8 × 1 = 9। अरे यार, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 97.3125, चलिए अब घटाते हैं इसको, 0 में से 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और 20। एरिया ऑफ सेगमेंट मिलाना पड़ेगा आंसर, क्योंकि बहुत बड़ा डेसिमल है। रुकिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट में कितना आंसर, बीस पॉइंट चार चार सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया है 20.44, ठीक है। ये हो गया पहला एरिया ऑफ, क्या निकालना था हम लोग को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकाल दिए। अब चलिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना था इसमें ना, दूसरा भी था इसमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अच्छा इसमें ध्यान देंगे, मेजर सेगमेंट जब निकालने आएगा ना, माइनर सेगमेंट तो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, मेजर सेगमेंट की जब भी बात आएगी तो ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? तो मेजर सेगमेंट देखेंगे कि ये था माइनर सेगमेंट, इतना दूर, ये इतना दूर क्या है, माइनर सेगमेंट है, तो इसको छोड़ करके ये रहा कॉर्ड। कॉर्ड से ना बनता है सेगमेंट, रेडियस से तो बनता नहीं है, कॉर्ड से। ये रहा कॉर्ड और ये रहा आर्क, तो ये पूरा जो है ये क्या होगा, ये पूरा मेजर सेगमेंट होगा, होगा ना। तो इस पूरे के लिए हम लोग को 300 डिग्री लेना होगा ना थीटा। तो क्या साइन 300 पढ़े हैं अभी हम लोग? तो नहीं पढ़े हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, ये है सर्कल, ये है उसका माइनर सेगमेंट अगर, और हमको अब चाहिए इतना का एरिया मेजर सेगमेंट का, तो हम पूरे एरिया में से, पूरे इस सर्किल के एरिया में से अगर इसको हटा दें तो यही ना बचेगा, बचेगा ना मेजर सेगमेंट। तो चलिए मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेगमेंट जो अभी हम लोग निकाले उसको घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनर सेगमेंट में कितना निकाले थे हम लोग, आंसर आया था 20.44, 20.44 घटा देंगे बस इसमें, तो 3.14 मल्टीप्लाई, रेडियस कितना था, रेडियस है 15, रेडियस कितना है 15, हाँ 15 × 15 −20.44, तो ये हो गया 15 × 4 = 60 का 0 बचा 6, 15 × 15 = 21 बचा 2, 15 × 3 = 45 और 2 = 47 मल्टीप्लाई 15 − 20.44, फिर से 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 0.15 बचेगा 1, 15 × 7 = 105, 106 बचा 10, 15 × 60 और 10 = 70। चलिए घटाइए, 50 में से 44 घट गया तो इधर क्या बचेगा, 0, 6। इधर पे आ जाते हैं, 6, 70 में से 2 घटेगा तो 68। ये अपने येलो कैसे चला, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही, ख़त्म क्लास, ठीक है? ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से बनाएंगे, 7 नंबर से, ऐसे घर में इसको रिवीजन करते रहेंगे, बस कैलकुलेशन ही सब में ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है? ओके
शाम का निकाल लेंगे। अच्छा नहीं, वो नहीं दिए उसको भी, वो चुपचाप वहीं जमा करके आ गए थे। अगर यूनिवर्सिटी वाला बोलता है कॉलेज में देना, आप लोग कॉलेज बड़े आप लोग आती है जमा कर जमा करें ना तो मेरा लगा उससे पति आया था ना। ठीक है, अरे तो कोचिंग जाएंगे।
Gracias.